बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हज़रत अबू तालिब हज़रत अब्दुल बिन मतलब के बेटे और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसाल के बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर ज़िम्मेदारी हज़रत अब्दुल मतलब के सुपुर्द हुई। फिर जब हज़रत अब्दुल मुतलिब का वसाल हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अभी कम सिन थे, इनकी ज़िम्मेदारी हज़रत अबू तालिब ने संभाल ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस की उम्र में अपने चचा हज़रत अबू तालिब के आगोश में आ गए और 50 बरस की उम्र तक इनके साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू तालिब ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने नबूवत के बाद हर मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत अबू तालिब दायरा इस्लाम में दाखिल हूँ, इसलिए वो गाहे बगाहे आपको दावत इस्लाम देते रहते थे, यहाँ तक कि आप मर्जुल मौत में मुबतला हो गए। हज़रत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे और आपकी माली हालत भी अच्छी ना थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया और यूं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिम्मेदारी संभाली। रवायात में आता है हज़रत अबू तालिब जब मर्जुल मौत में मुबतला हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आपके पास तशरीफ़ लाए और आपको एक मरतबा फिर दावत इस्लाम दी। हज़रत अबू तालिब ने पूछा कि वो कौन सा कलमा है जो मुझे निजात देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कलमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। हज़रत अबू तालिब ने कहा, ए भतीजे, मैं जानता हूँ कि तू मेरा हैर हुआ है, लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि अहले कुरैश ये ना कहें कि मैंने मौत के डर से मैं मुसलमान हो गया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के कुछ देर बाद हज़रत अबू तालिब का वसाल हो गया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वालिद बुजुर्गवार के वसाल की खबर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशफीक चचा के साए से महरूम हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ इन्हें गुसल दो और तजदीद व तदफीन का इंतज़ाम करो। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए और जनाजा में शमूलियत अख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाते थे, चचा जान, आपने मेरे साथ सिला रहमी की है और मेरे हक में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती। अल्लाह ताला आपके साथ सिला रहमी फरमाएगा और आपको जजाए खैर अता फरमाएगा। रवायात में आता है कि जब सरदारान कुरैश हज़रत अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की कि वो हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जवाब में फरमाया कि अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तबलीग इस्लाम से बाज नहीं आऊँगा। हज़रत अबू तालिब ने इसके जवाब में फरमाया, अल्लाह की कसम मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। हज़रत अबू तालिब का विसाल 10 नबवी में हुआ। रवायात में आता है हज़रत अबू तालिब और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बेपनाह जुल्म किए, जिसके नतीजे में हिजरत मदीना का वाकया पेश आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा माजदा हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुतलब की भतीजी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नकाह हज़रत अबू तालिब से हुआ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा माजदा हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाशम हांदन की पहली खतून थी जो दार इस्लाम में दाखिल हुई।
हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से नहायत बुलंद और साफ हमीदा की मालिक थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की इन्हीं नेक हसलतों की वजह से हजरत अब्दुल मुतलब ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बेटे हजरत अबू तालिब के लिए पसंद किया। हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने बच्चों से भी ज्यादा मशफीक थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम मुसलमानों को मदीना मनवरा की जानब हिजरत करने का हुक्म दिया तो हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हिजरत करके मदीना मनवरा तशरीफ लेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और पेशतर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते और वहां आराम फरमाते। हिजरत मदीना के चौथे या पांचवें साल मदीना मनवरा में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल की खबर मिली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ ले गए और उस सरहाने के नजदीक खड़े होकर फरमाया, ए मेरी माँ, अल्लाह अज़्वजल आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पर रहम फरमाए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया और अपनी जरूरियात को पसे पुष्ट डालकर मेरी जरूरियात को पूरा किया। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मरहमत फरमाई और हदायत की कि मेरी कमीज से इन्हें कफन दो। हजरत अस्मा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जन्नतुल बकी में कब्र खोदी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र मुबारक में उतरकर इसको मोतर किया और दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी माँ की मगफरत फरमा और इनकी कब्र को वसी फरमा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कब्र मुबारक में उतारा। एक और रवायत के मुताबिक हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोरों कतार होते जाते थे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक कफन के लिए दी और कब्र में उतरकर इसे मोतर किया और फरमाया, मेहरबान चचा अबू तालब के विसाल के बाद उन्होंने मेरे साथ शफकत फरमाई और मेरे साथ सिला रहमी से पेश आई। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 30वें साल पैदा हुए। यूं आप रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 बरस छोटे थे। रवायात के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश खाना काबा में हुई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह में अपना लाबे दहन डाला और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज किया। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया इस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक सिर्फ 10 साल थी। रवायात में आता है यमन में एक जायद रहता था जो हर वक्त इबादत और रियाजत में मशगूल रहता था। इस जायद का नाम मशरूम बिन वहीब था और ये जैद यमन के नाम से मशहूर था। इसकी उम्र 190 साल थी और ये अक्सर औकात ये दुआ करता था, इलाही अपने हरम से किसी बुजुर्ग को भेज ताकि मैं इसकी ज्यारत से मुशरफ हो सकूं। इस जैद की दुआ कबूल हो गई और हजरत अबू तालब तजारत के लिए यमन तशरीफ ले गए और इस जैद से मुलाकात हुई। जैद ने जब आपको देखा तो नहायत ताजिम से पेश आया और पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हजरत अबू तालिब ने कहा, मैं तहमा का रहने वाला हूँ। इसने पूछा, कौन सा तहमा? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, मक्का मुकरमा। जाहिद ने पूछा, तुम्हारा तलक किस कबीले से? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, मेरा तलक बनी हाशिम बिन अब्द मनाफ से है। जायद ने जब हजरत अबू तालिब की बात सुनी तो बेहतियार आगे बढ़कर बोसा लिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दवा कबूल हुई और मुझे हर महीने शरीफ़ैन के हादम की ज्यारत नसीब हुई।
फिर इस जैद ने आपसे नाम दरियाफ्त किया तो आपने बताया मेरा नाम अबू तालिब है। जैद ने पूछा आपके वालिद का क्या नाम है? हजरत अबू तालिब ने बताया मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुतलिब है। जैद ने हजरत अब्दुल मुतलिब का नाम सुना तो बेख्तियार इनके मुंह से निकला, मैंने इल्हामी किताबों में पढ़ा है कि हजरत अब्दुल मुतलिब के दो पोते होंगे जिनमें से एक नबी होगा और दूसरा वली, और इनका जो पोता नबी होगा इसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और जो वली होगा इसके वालिद का नाम अबू तालिब होगा। जब नबी 30 साल के हो जाएंगे इस वक्त अल्लाह का ये वली पैदा होगा। और ए अबू तालिब, वो नबी पैदा हो चुके हैं या नहीं? हजरत अबू तालिब ने कहा मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गया है और वो इस वक्त तकरीबन 29 साल का है। इस जैद ने कहा आप जब वापस जाएं तो इन्हें मेरा सलाम कहिए और कहिए कि मैं इनको दोस्त रखता हूँ। फिर जब वो नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो फिर आपके बेटे की वलादत जाहिर होगी। हजरत अबू तालिब ने इस जैद की बात सुनकर फरमाया कि मैं इस हकीकत को कैसे मान सकता हूँ? इस जैद ने कहा आप वो चीज़ चाहते हैं जिससे मेरी सच्चाई का इल्म हो। हजरत अबू तालिब ने एक सूखे दरख्त की जानब इशारा करते हुए फरमाया मुझे इस दरख्त से ताज़ा अनार चाहिए। इस जैद ने दुआ के लिए हाथ उठाए और बारगाहे इलाही में अर्ज की ए अल्लाह मैंने नबी और वली की तारीफ की, इनके सदके में मुझे ताज़ा अनार अता फरमा। चनाचे देखते ही देखते दरख्त हरा भरा हो गया और इसमें ताज़ा अनार पक गए। हजरत अबू तालिब ने वो अनार खाया और इस आबिद का शुक्रिया अदा करते हुए वापस मक्का मुकरमा रवाना हो गए। इस रवायत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत की इनकी पैदाइश से पहले की पेशन गोई की गई। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू तराब की वजह तस्मिया कुतुब सैर में यूं मनकूल है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा अपनी जोजा मोहतरमा हजरत सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज हो गए और मस्जिद में जाकर फर्श पर लेट गए जिससे आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को मट्टी लग गई। इस दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा नाराज होकर मस्जिद में चले गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को लेने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद के फर्श पर सो रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुहातब करते हुए फरमाया ए अबू तुराब उठो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो उठ खड़े हुए। चनांचे इस दिन से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू तुराब मशहूर होगी। सईदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू तुराब के सिलसिले में एक और रवायत कुतुब सैर में ये मौजूद है कि एक गजवा के सफर के दौरान जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा को आराम करने के लिए एक नहलस्तान में क़याम करने का हुक्म दिया तो हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गए। सहराई मिट्टी आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक पर लगी। इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को ढूंढते ढूंढते तशरीफ लाए और यूं महवे हवाब देखकर फरमाया ए अबू तराब उठो। चनाचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन उठ खड़े हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू तराब मैं तुझे ये ना बताऊं कि सबसे ज्यादा बख्त कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वो शख्स जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कोंचे काटी और दूसरा वो जो तेरे चेहरे और दाढ़ी को खून में डुबोएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते जाते और हजरत अली रजी अल्लाह ताला के चेहरे मुबारक पर हाथ फेरते जाते। चनाचे इस दिन के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला की कुनियत अबू तराब मशहूर हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की ईमान लाने से मुतल्लक हजरत अबू याला रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही बरोज पीर नाजल हुई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अगले रोज यानी बरोज मंगल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए।
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के कबूल इस्लाम के बारे में एक रवायत ये भी है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेरे साया परवरिश पा रहे थे, इसलिए आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत हदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इबादत में मसरूफ देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ये कैसी इबादत है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने मुझे अपने दीन की तबलीग और लोगों की राह हिदायत के लिए चुना है और मैं तुम्हें इसी अल्लाह वाहदे ला शरीक पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो हैरान हो गए और पूछा कि मैंने पहले कभी इस दीन के बारे में कुछ नहीं सुना, इस बारे में मुझे फैसला करना मुश्किल नजर आता है, इसलिए मैं इस बारे में अपने वालिद से मशवरा करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम्हें इस बात का हक हासिल है लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी और शख्स से ना करना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। चनाचे इस रात जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा सोने के लिए लेटे तो वो इस बात पर गौर करते हुए सो गए। अल्लाह अज़्ज़ल ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के कल्ब को रोशनी अता फरमाई और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद बुजुर्ग गवार से मशवरा किए बगैर अगले रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर होकर इनसे अर्ज की कि मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ और मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को कलमा पढ़ाया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा मशरफ बा इस्लाम हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के कबूल इस्लाम के बारे में एक और रवायत ये भी है कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि मैं अपने वालिद साहब से मशवरा करने के बाद जवाब दूंगा तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद के पास जाने के लिए रवाना हुए तो रास्ते में ख्याल आया कि वालिद साहब ने ये नसीहत की थी कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी बात की दावत दे तो उसे ज़रूर कबूल कर लेना और इनकी नफी ना करना। चनाचे आप रजी अल्लाह तआला अन्हा फौरन पलटे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। तारीख की कुतुब में मनकूल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई इस्लाम में इबादत के लिए मक्का मुकरमा के नवा में वाक़ा एक आबादी में इबादत की गर्ज़ से तशरीफ़ ले जाते। इस दौरान हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह होते थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा इबादत में मसरूफ थे कि हजरत अबू तालिब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को तलाश करते हुए इधर आ निकले। जब अपने भतीजे और बेटे को इस तरह इबादत में मसरूफ देखा तो हैरान हो गए कि किस तरह की इबादत कर रहे हैं। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, प्यारे भतीजे ये क्या है जो तुम कर रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मोहतरम, ये मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है और अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मेरे चचा, आप इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि मैं आपको इस दीन की दावत दूँ और इस दावत को कबूल करना आपका हक है। आप मेरी इस दावत को कबूल फरमाएं और मेरी मदद करें। हजरत अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के बाद कहा, प्यारे भतीजे, तुम दुरुस्त कहते हो लेकिन मैं अपने अबाओजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम इस बात पर इत्मीनान रखो कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। फिर जब हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बेटे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की जानब मुतवज्जो होकर फरमाया, जिन्होंने अभी तक इनसे अपने कबूल इस्लाम को छुपा रखा था, इनको मुखातब करते हुए कहा, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हा, ए मेरे फरजंद, तुम्हें इन्होंने राह हक की दावत दी है, तुम इनके साथ रहो और इनकी हिदमत को अपना शौर बना लो, इनका दामन मजबूती से थामे रखना क्योंकि ये जो बात तुमसे कहेंगे वो नेकी और भलाई की होगी। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब वालिद
वाले साहब की बात सुनी तो उनको इत्मीनान हो गया कि जिस बात का हादसा था वो दूर हो गया। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा मजीद खुलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इबादत में मसरूफ हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बौसत के बाद खुफिया तौर पर अपनी तबलीग जारी रखी और इस अरसे में कई लोग दार इस्लाम में दाखिल हो गए। 3 बरस की खुफिया तबलीग के बाद अल्लाह ताला ने सूरह शारा की ये आयत नाजल फरमाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत इस्लाम देने का हुक्म हुआ। इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ पैगंबर अपने रिश्तेदारों को आहरत के अजाब से डराइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ोजल के इस फरमान के मुताबिक कोई सफा की चोटी पर चढ़कर अपनी कौम को बुलाया। जब तमाम कुरैश जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का एक लश्कर मौजूद है तो और तुम पर हमला करने को तैयार है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सबने एक जुबान होकर कहा, हाँ हम इस बात का यकीन कर लेंगे क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा और ईमानदार पाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मैं तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ोजल के अजाब से डराता हूँ और दावत हक देता हूँ, अगर तुम लोग ईमान ले आए तो फला पाओगे और अगर ईमान ना लाए तो अजाब इलाही तुम पर नाजल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर कुरैश में गुस्सा आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब लोगों को भड़का कर वापस ले गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के वापस जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि इस शख्स ने जल्दी की, तुम एक दावत का इंतज़ाम करो जिसमें तुम बनी अब्दुल मुतलब को दावत दो। चनाचे एक दावत का इंतज़ाम किया गया जिसमें बनी अब्दुल मुतलब को दावत दी गई। इस दावत में हजरत अब्दुल मुतलब के तमाम बेटे हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा और अबू लहब वगैरह ने शिरकत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के अहतमाम पर इन हजरात को मुहातब करते हुए फरमाया, ए बनी अब्दुल मुतलिब, आज तक अहले अरब में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो मुझसे बेहतर पैगाम दे। मैं तुम्हें इस परवरदिगार की कसम खाकर कहता हूँ कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और इसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है। एक रोज़ हम सब ने मरना है और मरने के बाद जिंदा होना है। इस वक्त माल का हिसाब लिया जाएगा और नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला अजाब है। ऐ बनी अब्दुल मुतलब, तुम जानते हो कि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे तुम्हारे तआवुन की ज़रूरत है। बस जो मेरी मदद के लिए खड़ा होगा वो मेरा भाई होगा। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस दावत को कबूल करे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को सुनकर बनी अब्दुल मुतलब ने मुंह फेर लिया। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हुए और बिला खौफ व खतर गोया हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं उम्र में इस वक्त सबसे छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करूँगा और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करेगा मैं इससे जंग करूँगा। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस बात के जवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, तू मेरा भाई है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की कम सिनी और इनकी जिस्मानी कमजोरी का अबू लहब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बदबख्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुव्वत रूहानी का अदराक करने से कासर था। ऐलान नबूवत के 4वें साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हजर के नाजल होने के बाद आले ऐलान तबलीग इस्लाम शुरू की तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 9 मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया। मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाने वालों में अबू लहब और अबू जहल सरे फरिश्त थे, जिनकी इस्लाम दुश्मनी की बदौलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा तरह तरह की अजियतें बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए वादे को पूरा किया और हर मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम रहे और मुशरिकीन मक्का के मजालिम को बर्दाश्त करते रहे, मक्का मकरमा में
मुशरिकीन मक्का के मजालम जब हद से बढ़ गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान इस्लाम और मुसलमानों के लिए मदीना मनवरा की शक्ल में एक पनाहगाह तैयार कर चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जज्जल के हुक्म से सहाबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा को दावत आम दी कि वो मदीना मनवरा की जानब हिजरत कर जाएं। इस तरह यक के बाद दीगरे कई सहाबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मनवरा की जानब हिजरत कर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अभी तक मदीना मनवरा की तरफ हिजरत नहीं की। मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए एक महफूज अमाजगाह मदीना मनवरा की सूरत में ढूंढ ली है तो तमाम सरदारों को इकट्ठा किया, जिसमें यह तय किया गया कि तमाम कबाइल का एक एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इकट्ठा होगा और यक्के बारगी से इन पर हमला करके इन्हें नाऊज़ बिल्ला कत्ल कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही मुशरिकीन मक्का के नापाक इरादों की खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बिस्तर पर लिटाया और इन्हें हुक्म दिया कि वह सुबह होते ही लोगों की वो अमानतें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी वो मुतलका लोगों को वापस करने के बाद मदीना मनवरा पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बिस्तर पर लिटाने के बाद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे, जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हिजरत शुरू हुआ। रवायत में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे हिजरत का हुक्म हो गया है और मैं अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मदीना मनवरा हिजरत करने वाला हूँ। मेरे पास लोगों की जो मानते हैं वो तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, तुम इन मानतों को इनके मालकों तक पहुँचा देना। मुशरिकीन मक्का ने मेरे कत्ल की मनसूबा बंदी की है और वो आज रात मुझे कत्ल करने का नापाक इरादा रखते हैं, तुम मेरी ये चादर ओढ़ लो, मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ही किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए और चादर ओढ़ ली। मुशरिकीन मक्का ने रात भर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया, लेकिन सुबह होने पर इन्हें मालूम हुआ कि जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो तो नाकाम हो चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का मुकरमा से निकल चुके हैं। एक और रवायत में ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बिस्तर पर लिटाया और खुद सूरह यासीन की तलावत करते हुए घर से बाहर तशरीफ लाए और मुट्ठी भर मिट्टी लेकर इन कुफार के मुंह पर मारी, जिससे इनकी आंखें अंधी हो गई और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख पाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बआसानी निकलने में कामयाब हो गए। मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि एक शख्स ने इनको आकर इतला दी कि तुम जिनका इंतजार कर रहे हो वो मक्का मुकरमा जा चुके हैं। मुशरिकीन की इस जमात में से एक शख्स ने घर के अंदर जाकर देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर किसी को सोते हुए पाया। जब उन्होंने अंदर दाखिल होकर सोए हुए के ऊपर से चादर उतारी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें जवाब दिया, मैं यहाँ लोगों की इमानतें वापस करने के लिए मौजूद हूँ, ना कि तुम्हारी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी तुम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। मुशरिकीन मक्का ने जब हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुना तो वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सुबह होते ही लोगों की मानते वापस की और मक्का मुकरमा से मदीना मनवरा की जानब सफर हिजरत शुरू कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मनवरा के नवा में वाक़ एक कस्बे कबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा से जा मिले। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसकी तामीर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हिस्सा लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और महाजरीन के दरमियान उहद का रिश्ता कायम किया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के दरमियान
उहद का रिश्ता कायम किया मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन उमर बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम के माबैन उहद का रिश्ता कायम किया तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शाने पर हाथ रखते हुए फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।